हेलो फ्रेंड्स, आपका विलेज कढ़ाई में बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरी मम्मी नहीं है तो मैं आज आप सभी को नूडल्स बनाना सिखाऊंगी। तो नूडल्स लेने के लिए मैं बाजार जा रही हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये मैं बाजार से नूडल्स लेके आ गई हूँ। तो सबसे पहले हम मटर को छील लेते हैं। मटर को छीलने के बाद हम टमाटर को भी काट लेते हैं। आप टमाटर को छोटा छोटा ही काटेंगे जैसे कि मैं काट रही हूँ। अब हम प्याज को भी काट लेते हैं। प्याज को हम बारीक ही काटेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर बताएं। तो प्याज को हमने काट लिया है और हम मिर्च को भी अब काट लेते हैं। ये हमने 4 मिर्च ली हुई है और इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। नूडल्स बनाने के लिए हमने धनिया पाउडर लिया हुआ है, हल्दी पाउडर लिया हुआ है, लाल मिर्च पाउडर लिया हुआ है, जीरा पाउडर लिया हुआ है, सरसों का तेल लिया हुआ है और स्वाद अनुसार नमक लिया हुआ है, हरा मटर लिया हुआ है, नूडल्स लिया हुआ है, नूडल्स के मसाले लिए हुए हैं, टमाटर लिया हुआ है, कटा हुआ प्याज लिया हुआ है, कटी हुई हरी मिर्च ली हुई है और कड़ी पत्ता लिया हुआ है हमने। हमने ये कढ़ाई रख दी हुई है। अब इसमें हम तेल डालेंगे। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है और हम उसमें प्याज, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डाल देते हैं। हम उसको थोड़ी देर तक चलाते रहेंगे और उसे 1 मिनट के लिए भूनेंगे। हमारा प्याज भून चुका है और उसमें हम मटर डाल देंगे और उसे थोड़ी देर के लिए चलाएंगे और फिर 1 मिनट के लिए उसे भूनेंगे। तो 1 मिनट हो चुका है और हम उसमें अब टमाटर डालते हैं और उसे चलाते हैं और उसे 2 मिनट के लिए भूनते हैं। तो 2 मिनट हो चुका है और हम इसमें हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। और इसमें हम धनिया पाउडर को भी डाल देते हैं, स्वाद अनुसार नमक भी डाल लेते हैं और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस छोटे ग्लास से 2 ग्लास पानी डालेंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे।
हम इसमें नूडल्स का मसाला डाल देंगे, इसे थोड़ा खौलने तक पकाएंगे। ये खौल रहा है और हम इसमें अब नूडल्स डाल लेते हैं और हम उसको अच्छे से हिलाएंगे ताकि वो अच्छे से अलग हो जाए। और हम अब उसे ढक देते हैं। देखिए अब हमारा नूडल्स तैयार है और हम इसे अब निकाल लेते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और उस पर कमेंट करें।